हम 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन पहले पाकिस्तान से आई है। हाँ, तो गिरवी रख दो, कर्जा हाँ, नहीं है तो गिरवी रख दो अपनी बेटियों को। क्या तुम्हारा बेटी दे दो हमारे को, क्या बोलते थे, बेटी दे दो, बेटी दे दो। आप पाकिस्तान से ही आए हैं? हम भी पाकिस्तान से ही आए। कर्जा नहीं देते थे तो बोलता तुम्हारी बेटी दे दो हमारे को, पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लड़की लेके चले जाते हैं जबरदस्ती, जबरदस्ती करके। पहले कलमा पढ़ाते थे, हमने बोला कलमा नहीं पढ़ेंगे। कोई परेशान तो नहीं करता था, छेड़ता तो नहीं था सर? छेड़ते थे, इसकी वजह से इधर आ गए। पाकिस्तानी लोग छेड़ते थे? जो पाकिस्तान अपना पेट नहीं भर सकता है वो इन लोगों का पेट क्या भरेगा। क्या पढ़ाते थे? कलमा पढ़ाते थे, नहीं जाते थे पाकिस्तान में, कलमा पढ़ाते थे इसलिए नहीं जाते थे। ऐसे जानवर की तरह हिंदू रह रहे वहाँ पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जानवर की तरह, जानवर कोई इज्जत नहीं। पाकिस्तान में आटा क्या राइट है? 150 रुपए किलो हो गया। और हम भारत को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाइएगा पाकिस्तान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान। अभी हम लोग भारत की राजधानी दिल्ली में है और उस इलाके में है जहाँ पर कुछ पाकिस्तान से लोग आए हैं जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। ये पाकिस्तानी हिंदू हैं और यहाँ पर हिंदू मान्यताओं को मान रहे हैं। 10-15 दिन पहले जो है ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, और वही पाकिस्तान जो भूखा नंगा भिखमंगा देश, हमारा बेटा जिसके हम बाप हैं, वही पाकिस्तान में ये लोग रहते थे। लेकिन इन लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि लोग पाकिस्तान छोड़कर जो है हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गए हैं। इस सिग्नेचर ब्रिज के पास ये कॉलोनी है, जुग्गी झोपड़ी के इस इलाके में, यहाँ पर इसको पाकिस्तानी जुग्गी कहा जाता है। पाकिस्तानी जुग्गी है भैया ये, पाकिस्तानी कैंप कहा जाता है, पाकिस्तानी जुग्गी भी कहा जाता है। आप पाकिस्तान से ही आए हैं? हम भी पाकिस्तान से ही आए। हिंदू है या मुस्लिम? हम हिंदू है, मंत्रण से हिंदू है। हिंदू है तो वहाँ से वापस क्यों आ गए आप लोग? वहाँ से इसलिए आए हैं, वहाँ हिंदू के कोई समस्या का समाधान नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई भी सुनता नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हिंदू की कोई भी नहीं सुनता है, वहाँ कोई नहीं सुनता है, वहाँ कोई नहीं सुनता। क्या बोला, कुछ और भी बोला जा रहा था क्या आपको? वहाँ ये है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबरदस्ती फिर कोई नौजवान होता है हिंदू बाहर जाता है कोई सामान लेने या काम करने, उनको जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जाता है। हाँ। जबरन उनके साथ फिर लड़ाई मारपीट करते हैं जबरन। सच में? सच मतलब में वहाँ जबरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन करवाया जाता है? धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जाता है, वो कर रहे भी है, कई कर चुके भी है, न्यूज भी देख सकते हो आप। हाँ। वहाँ के बहुत सारे लोग बदल भी लिए, बहुत सारे, वो मजबूरी में क्या करे, उनको बदलना पड़ा, कोई आगे का कोई उनका समाधान नहीं है। जैसा कोई सिस्टम नहीं है उस जगह पे चले जाए। मतलब पाकिस्तान में रहना है तो हिंदू बन के नहीं मुसलमान बन के रहिएगा, अगर आप हिंदू हैं तो धर्म परिवर्तन करना होगा आपको। हाँ, ये बात आपकी 100% सही है। अच्छा ये बताइए कितने साल से वहाँ रहते थे आप? हम वहाँ तो तकरीबन 30 साल से रहते थे। 30 साल से? हमारी पैदाइश हुई, वही पैदा हुए थे, पैदा वही हुए थे। तो वहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ आपका बना था? आधार कार्ड है वहाँ का बना था। घर वर सब मिला था कि नहीं? घर वर कोई नहीं मिलता है वहाँ पे, खुद अपने मेहनत से आप खुद करना पड़ता है, खुद अपने मेहनत से, अपने मेहनत से खुद करना पड़ता है। सच में? हाँ। जितने भी लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं मित्रों, ये सब के सब लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन ये इनका तन मन धन सब हिंदूवादी है और इनका धर्म कहीं ना कहीं हिंदुस्तान है, इनकी जात हिंदुस्तान है। लेकिन जब ये पाकिस्तान में थे तो यहाँ पर उनको प्रताड़ित किया गया और बार बार कहा जाता था कि अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो जो है आपको मुस्लिम धर्म स्वीकारना होगा। ये बताइए कहाँ से आई हैं आप लोग? पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान से आई है? वहाँ पर कोई परेशान और परेशान तो नहीं करता था? बस कोई करते थे कोई नहीं करते थे। ज्यादा करने वाले थे या कम करने वाले थे? बस ज्यादा करने वाले, परेशान ज्यादा करने वाले। हाँ। थे किस तरीके से परेशान करते थे, छेड़खानी या कहते थे धर्म परिवर्तन, क्या बोलते थे वहाँ पर लोग? बोलते बागड़ी घूमे हिंदू घूमे रहना, धर्म नहीं है तुम्हारा, इधर अपने मुल्क में जाओ। क्या क्या बोलते थे वहाँ पर लोग? कुछ नहीं बोलते थे। परेशान करते थे क्या? नहीं भाई। हाँ, परेशान करते थे हम लोग, हमने बोला हम हिंदुस्तान में जाएंगे। हाँ। पाकिस्तान में रहना अच्छा नहीं है। हाँ, तो वहाँ से चली आई आप? हाँ, इधर हम आ गए। पाकिस्तान में कहाँ रहती थी? पाकिस्तान में कराची में। कराची में रहती थी? कराची। कितने दिन पहले आई हैं आप लोग?
हम 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन पहले पाकिस्तान से आई हैं। हाँ। तो अब वहाँ जाने का मन करता है कि नहीं? नहीं, हम नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। अच्छा, वहाँ जैसे आप लड़की हैं, महिला हैं, कोई परेशान तो नहीं करता था, छेड़ता तो नहीं था ऐसा? छेड़ते थे, इसकी वजह से इधर आ गए। पाकिस्तानी लोग छेड़ते थे? हाँ, इधर आ गए। इधर आ गई। वहाँ घर था या क्या, झुग्गी झोपड़ी क्या थे? घर बने हुए थे, झुग्गियाँ बनी, झुग्गी हुआ। तो कैसे वहाँ से, किस तरीके से आई? ट्रेन से आई, जहाज से आई, या पैदल आई, कैसे आए आप लोग? ट्रेन से आए। ट्रेन से? वीजा पासपोर्ट लगा के? हाँ, वीजा पासपोर्ट बना। अच्छा, पिताजी और माताजी वहाँ पर क्या करते थे लोग? कबाड़ी का काम करते थे। मम्मी सुर्खी पाउडर बेचने जाती थी। मम्मी सुर्खी पाउडर बेचने जाते थे। जो है, आप क्या करती थी, पढ़ाई वढ़ाई करती थी वहाँ? नहीं, हम पढ़ाई नहीं करते, घर में रहते थे। पढ़ाई क्यों नहीं करती थी? हम पढ़ने नहीं जाते, उधर कलमा पढ़ाते थे, इसलिए नहीं जाते। क्या पढ़ाते थे? कलमा पढ़ाते थे, नहीं जाते थे। पाकिस्तान में कलमा पढ़ाते थे, इसलिए नहीं जाते थे? नहीं, हम नहीं जाते थे। अच्छा, कई बार यही बोला कि हिंदू धर्म छोड़ दीजिए क्या? हाँ। क्या बोलते थे? बोलते छोड़ दिया, हमारे मुसलमान नहीं बनते थे। हाँ, बोलते थे, लेकिन आप बनी नहीं? नहीं, हम नहीं बने। अच्छा, और ज्यादा प्रेशर करते तो? इधर हम इसलिए आ गए, इसीलिए आ गई हैं। अच्छा, ये बताइए, वहाँ पर मतलब शादी या निकाह जो होता है, वो वहीं उन्हीं के धर्म के हिसाब से करना होता है? नहीं, हम नहीं करते थे, हमारे धर्म से करते थे। अच्छा, आप अपने में ही करते? हाँ, थे, लेकिन वो लोग फोर्स करते थे? नहीं, फिर हम जोर जबरदस्ती करते, हम नहीं करते थे। जोर जबरदस्ती करते थे वो लोग? हाँ, हम नहीं करते थे, हमारे धर्म में करते थे। कितने साल वहाँ तक रही हैं आप लोग? 8 साल। 8 साल रही हैं। कितना उम्र हुआ अभी? अभी 15-16। 15-16 साल। वहीं पर मतलब यहाँ पैदा हुई थी? वहाँ पे? वहाँ ही पैदा हुई, पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी। ये लोग वो लोग हैं जो हमारे बेटे यानी भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान के यहाँ जो है पाकिस्तान में रहते थे। जो पाकिस्तान अपना पेट नहीं भर सकता है, वो इन लोगों का पेट क्या भरेगा? जो पाकिस्तान अपने लोगों को रोजी रोजगार नहीं दे सकता है, उन्हीं भारतीय नागरिकों की रक्षा कैसे करेगा? जो पाकिस्तान अपनी रक्षा चाइना से नहीं कर सकता, हिंदुस्तान से, वो अपने भारतीय हमारे भारतीयों की रक्षा कैसे करेगा? जो लोग इस वक्त वहां पर खुद मर रहे हैं भूखे भुखमरी के कारण, उनका वो हिंदुस्तानियों का पेट कैसे भरेंगे? और वो लोग इतने निकम्मे हो गए हैं कि कह रहे थे कि पाकिस्तान में रहना है तो धर्म परिवर्तन करना होगा। कौन सा देश, कौन सा मुल्क और कौन सा राष्ट्र कहता है कि आपको धर्म परिवर्तन करना होगा? कोई नहीं कहता है। लेकिन ये कदम अगर कोई कह सकता है, ये कहता है, तो वो है भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान। अच्छा, वहां पर हिंदुओं की क्या दुर्दशा है? हिंदू की बहुत बहुत घटिया दुर्दशा है, ऐसे समझो वो खत्म खत्म है, ऐसे जानवर की तरह हिंदू रह रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जानवर की तरह? जानवर, कोई इज्जत नहीं? कोई इज्जत नहीं, जानवर भी थोड़े बहुत अच्छे रहते हैं, उससे भी बढ़कर रह रहे हैं। हाँ। हिंदू धर्म, ये बहुत खराब कंडीशन हो गई वहाँ पर। ये बहुत खराब कंडीशन हो। अच्छा, आप लोग आना चाहे यहाँ तो कैसे आ सकते हैं? हम आए भारत सरकार की मंजूरी से, आए मदद से आए हैं। वो लोग चाहे कि उन लोगों ने चाहा, भारत सरकार ने, कि आप अपने हैं चले आइए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इसके बाद जो है दो देशों में ये भारत जो अखंड भारत था वो बंटवारा हो गया, और एक हिस्सा पाकिस्तान को चला गया, दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान में आ गया। कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में रह गए। जो पाकिस्तान में गए हैं वो लोग आकर बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान भूखा नंगा है, जो खाने पर तिल तिल पर मर रहा है, लेकिन धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को परेशान कर रहा है। ये बात सही, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तानी की नहीं? अभी तो बहुत ज्यादा भूखे मर रहे हैं। रिफाइंड 500 रुपए किलो आटा है ना, 150 रुपए किलो। पाकिस्तान में आटा क्या राइट है? 150 रुपए किलो हो गया। चीनी है ना, ये 100 रुपए किलो है। हाँ, हाँ। टमाटर? टमाटर 250 रुपए किलो है। सही में? सही में, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। अच्छा, वहाँ से अच्छा यहाँ है कि वहाँ अच्छा था? यहाँ अच्छा है, हमें बहुत 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 हद से ज्यादा इतनी यहाँ के खुशी मिली है, इतने हम खुश हैं। हाँ। कि बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। आपके आंखों में आंसू भी है? आंसू भी है, ये खुशी के आंसू है भारत वापस आने के लिए, भारत में आने के लिए, ये भारत के लिए आंसू की खुशी है। आप भी पाकिस्तान में थे चाचा? मेरी बात सुनो जी, मेरे को 7.5 साल हो गया आए हुए। आए? हाँ। मैंने किस दुख के लिए आए हैं? हाँ। मेरा जितना परिवार था सब छोड़ के आया था। आप छोड़ कर आए थे पाकिस्तान में सारा परिवार? हाँ। 7.5 साल हो गया मेरे को। हाँ। और इधर मैं चूहे की दवाई बेच के गुजारा कर रहा हूँ। और वहाँ क्या करते थे? उधर खेती बाड़ी करते थे। हाँ। और अध जमींदार को देते थे, अध हम लेते थे। जमींदार को देते थे? हाँ। वहाँ पे? हाँ। अपना खेती बाड़ी? हाँ। आपका खेत भी था पाकिस्तान में? खेत बेचने
नहीं है हाँ। आधा उसका होता जमींदार की जमीन होती हाँ। उसमें राखी करते है। अच्छा मतलब अधिया पे आधा 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 हाँ। फिर कर्जा हो जाता है बोलता है हमारा कर्जा दो नहीं देते हैं तो जो बोलते हैं कि तुम्हारा बेटी दे दो हमारे को क्या बोलते थे बेटी दे दो बेटी दे दो इतना निकम्मा निकल गया पाकिस्तान वाला बेटी मांगता था इसके लिए हमने ये इज्जत के लिए सब परिवार हमने छोड़कर और सात साढ़े सात साल मैंने गुजारा करा ये चूहे की दवाई बेच के मैंने रे भूखा नंगा भिकमंगा देश पाकिस्तान जरा जरा भी शर्म नहीं आती है तुमको कि अगर ये लोग कर्जा नहीं दे पाते थे तो बेटी मांगते थे तुम बेटी मांगते मेरी बात सुनो कर्जा नहीं देते थे तो बोलता तुम्हारी बेटी दे दो हमारे को पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वाले वहाँ के जमींदार बोलते थे अब सोचो ये बाप है और इस बाप के कलेजे पर क्या गुजरती होगी जब इनके सामने इनकी बेटी का सौदा किया जाता होगा तो जितने भी मेरे परिवार हैं पाकिस्तान में है और मेरे अभी एक बेटा आया है बहू आई है और परिवार मेरा थोड़ा थोड़ा हार गए लेकिन इज्जत नहीं बेचे इज्जत नहीं बेचा मैंने मेरे को बोला मेरे बेटे को बोला मेरे इसको बोला पढ़ाई करो वो पहले कलमा पढ़ाते थे पहले कलमा पढ़ाते थे हमने बोला कलमा नहीं पढ़ेंगे और गैर बात घूमेंगे और कलमा नहीं पढ़ेंगे समझा ना इसके लिए इज्जत के लिए और इधर आया हम इज्जत के लिए इधर इज्जत के लिए अब यहाँ इज्जत मिल रही है यहाँ बहू को कोई गलत नजर से नहीं बात सुनो ये भारत है जमुना है हनुमान है भगवान है सब कुछ है इधर और हम जो आए हैं पेट भर के हमने रोटी खाया है ठीक है यहाँ से ज्यादा पेट भरा है बहुत पेट भरा है हमने चाचा आपके ऊपर मुझे गर्व हो रहा है मैं सैल्यूट करता हूँ आपको कि आप अपने मुल्क के होकर और उन निकम्मे भूखे नंगे चोर चुहार मुसहार पाकिस्तान को जो आज तिल तिल के दाने दाने के लिए मर रहा है उसके लिए आपने अपनी इज्जत नहीं बेची हमने इज्जत कभी नहीं बेची हाँ ये हिंदुस्तानी है इनका सीना 56 इंच का है इस सर कटा देंगे लेकिन इज्जत दांव पर नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ये अपनी बेटी बहू को किसी पाकिस्तान के सामने गिरवी नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे हम एक चाची है मैं इनसे पूछूंगा क्या ऐसा सच में होता है ये सच में ऐसा होता है चाची हाँ सब में से हो रहा है ऐसे बोलते बेटी बहू गिरवी रख दो हाँ सब बोलते हैं सर क्या बोलते हैं बस गिरवी रख दो बस किसको कुछ खाओ तो कुछ रखो उधर घर पे लड़की लेके चले जाते हैं जबरदस्ती करके फिर बोलते हैं ये लड़की ने कलमा पढ़ लिया है अब ये मुसलमानी हो गई है हमारा दीन पर चढ़ गई है अभी तुम्हारा वास्ता कुछ भी नहीं है जबरदस्ती ऐसे बोलते हाँ मात पिता का कोई आसरा नहीं होता है भाई का आसरा नहीं होता है जबरदस्ती करके बोलते हैं लड़की तुम्हारी बन जाए तो तुम ले जाओ नहीं तो हम कलमा पढ़ाएंगे और इसको दीन पर चढ़ाएंगे फिर तुम्हारा रिश्ता क्या चढ़ाएंगे दीन पर चढ़ाएंगे कलमा भराएंगे दीन क्या होता है मुसलमानी बनाएंगे ऐसा बोलते थे पाकिस्तान वाले मुसलमानी बनाएंगे ये लड़की तुम्हारा नहीं है ये इनके साथ इतनी प्रताड़ना हुई लेकिन ये आतंकवादी नहीं बने इनके साथ इतनी प्रताड़ना हुई लेकिन ये पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचे सोचिए भूखा नंगा भिकमंगा पाकिस्तान कि तुम लोग हमारे देश के हिंदू भाइयों को परेशान करते थे हमारे देश के नौजवानों को बहन बेटियों को परेशान करते थे हमारे देश की महिलाओं के साथ तुम गिरवी रखने की बात करते थे अरे आज जाओ तुमको इस देश के लोग जूता से मारेंगे जूता से स्वागत करेंगे ये लोग हिंदुस्तानी है इनका ना कोई जाति है ना धर्म है ना मजहब है ये हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए ये लोग जीते हैं और हम भारत को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे कभी नहीं जाइएगा पाकिस्तान नहीं जाएंगे पाकिस्तान कुछ कह दीजिए पाकिस्तान को जो आपके साथ परेशान करता था चैलेंज कर दीजिए मेरी बात सुनो हम ये इज्जत के लिए सब परिवार छोड़ के आगे थे और हमने इज्जत बचा लिया हमारा ये देखिए ये बाबू भी है कहाँ से आए हो पाकिस्तान से आए हो वहाँ परेशान करते थे वहाँ के लड़के लोग उनके साथ खेले कूदे हो कि नहीं 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 खेलते थे क्या बोलती थी मम्मी घर में रहो क्या बोलती थी मम्मी घर पे रहो और क्या बोलते थे वो लोग वहाँ के लोग बोलते थे खेल
लो ऐसे करो। वहाँ पाकिस्तान के लोग क्या बोलते थे? बोलो कलमा पढ़ो, हाँ, मुसलमान बन जाओ तो रहो, हाँ, नहीं तो जाओ। हाँ। आप कलमा नहीं पढ़ते थे? नहीं। मुस्लिम भी नहीं बने और यहाँ हिंदुस्तान चले आए? हाँ। यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है कि वहाँ? हमारे को जलने के लिए, जो आदमी मर जाता है तो उसके लिए जगह नहीं दिया हम लोग पाकिस्तान में। सच में? हाँ सच। मतलब वहाँ अगर कोई इंसान का देहांत हो जाता है तो वहाँ पर जला नहीं सकते? जला नहीं सकते हम, दफनाना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट ने हमारे को जगह नहीं दिया है कि इधर लेके तुम्हारा स्थान बना लो। देखिए भगवान के दर ऊपर वाले के घर जो है देर है अंधेर नहीं। हाँ। यही कारण है कि आज आजादी के इतने साल बाद भी हम आज चंद्रमा और मंगल पर पहुंच गए और वो भिखनमंगा पाकिस्तान जो है वो आज भी हमारे देश में जमीन के रास्ते घुसने का प्रयास करता है। यही कारण है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप भी पाकिस्तान से आई है? हाँ जी। ये चाचा सही बोल रहे हैं, वहाँ पर परेशान करते हैं? बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। क्या बोल बोलते थे? बहन बेटी को गिरवी रख दो। हाँ, गिरवी रख दो, कर्जा नहीं है तो गिरवी रख दो अपनी बेटियों को। क्या बोलते थे? गिरवी रख दो। किस लिए? कर्जे के लिए। हाँ। उधार के लिए। कर्जा ली हुई थी आप लोग? कर्जा लेके खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। जब नुकसान हो जाता है। हाँ। तो बचते थोड़ी है, कहते हैं अपनी बेटी दे दो, बेटी दे दो। मानवता नहीं थी वहाँ पर? नहीं है भैया, कुछ नहीं है। फिर भाग क्या, इंसानियत नहीं है? नहीं, अपनी ही बहन को वहाँ पर बहन नहीं समझते है क्या? चाचे की बेटी खुद लेते हैं। चाचे की बेटी ब्याह करते हैं वो खुद ही वहाँ पे। कोई इंसानियत, कोई मानवता, कुछ भी नहीं। अपनी बहन बेटी से ही ब्याह कर लेंगे? अपनी बहन बेटी कोई बचाते नहीं है वो। ये चीज वहाँ पर आपने देखा था? हाँ, क्या? हाँ, हमने खुद देखा। फिर भाग क्या आ गया अपने देश में। हाँ। कहते हैं हमारे साथ रोटी खाओ तो उनकी रोटी क्या होती है? अपने गाय माता का मीट होता है, फिर हम कैसे खाएंगे? तो नहीं खाए बस हम। यहाँ गाय का मीट का रोटी खिलाते थे आप लोगों को? हाँ जी। लेकिन आप लोग कभी नहीं खाए? कभी नहीं खाए। आपकी भी बेटी उठी है क्या? हाँ बेटी है, बच्चे है, 6 बच्चे है, लेके हम आ गए। मोदी जी एक मिसाइल दागिए, पाकिस्तान भस्म हो जाए। जो पाकिस्तान इंसानियत को शर्मसार कर रहा है, ऐसे पाकिस्तान के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सभी देशों को मिलकर आक्रमण करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भैया, करना चाहिए। चलिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली में था, सिग्नेचर ब्रिज के पास ये जगह है और तमाम लोग यहाँ पर जो अपनी पीड़ा बता रहे थे मैं यहाँ पर था। मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ इन सबको पक्का मकान दिया जाए, इन सब के लिए घर बनवाया जाए, शौचालय बनवाया जाए और इनको इज्जत के साथ रखा जाए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पाकिस्तान में अपनी इज्जत नहीं बेचे आके हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान में जो है कुछ भी अलका कलबक पढ़ के अपनी रोहिंग्या नहीं है। ये कोई रोहिंग्या नहीं है। जब बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में रोहिंग्यों के लिए घर मकान बन सकता है तो इनके लिए क्यों नहीं? ये देश के वो सच्चे सिपाही हैं कि जरूरत पड़ने पर ही बॉर्डर में पाकिस्तान को घुस कर मारेंगे। मारिएगा कि नहीं? हमने इज्जत किसी को नहीं दिया उधर, किसी को नहीं दिया। ये देशभक्त हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं। जान चली जाएगी, वचन कभी नहीं जाएगा। देख सकते हैं इनके सबके घर के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहा है और इसीलिए इनके अंदर राष्ट्रीयता और हिंदुत्व और इसके बाद भारतीयता कूट कूट कर भरी है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।